हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो देखिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ में तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं इसी अप्रैल से। तो जो भी स्टूडेंट्स बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो देखिए बच्चे जो होते हैं वो अटेम्प्ट तो कर लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है पेपर में, लेकिन वो सोचते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो हम क्या तैयार करें, क्योंकि देखिए लॉन्ग आ जाता है तो आपको लंबा आंसर लिखना होता है, तो इसलिए बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके पेपर में आने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपका जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है पेपर में, तो वो कौन से आपकी पोएम से आएगा, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपने पोएम्स पढ़ी हैं, आपको इंग्लिश पोएट्री पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 10 क्वेश्चन को बता देने वाली हूँ, और उन 10 क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि उन 10 क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा मेरे ही चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में। बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट आपको मैं दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहले आप अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके आंसर भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए उन 10 क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाने वाला है। बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए शेक्सपियर सनेट। आप लोग जानते ही हैं कि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इनसे तो क्वेश्चन आपका बनना ही है एग्ज़ाम में। तो शेक्सपियरियन सनेट का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर एक नोट लिखिए। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, और ये आपके पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपने विलियम शेक्सपियर की सनेट तो पढ़ी रखी है, और देखिए इनके सनेट जो होती है वो इंग्लिश सनेट होती है, और इसके ऊपर पूरा फुल डिटेल वीडियो अपलोड है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया है इसी क्वेश्चन का, बस आंसर उसमें मैंने आपको पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया है, नोट्स भी पूरा दे दिया है। आपको बता देती हूँ कि जब आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, तो आप जब थंबनेल पे देखेंगे तो जो क्वेश्चन होता है इम्पॉर्टेंट वही लिखा होगा, और आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट के रूप में कैसे हैं, उन पर एक एस्से लिखो। आपसे ये भी कह देगा राइट ए नोट ऑन, राइट एन एस्से, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बस क्या करना है वही आंसर लिख देना है जो आप तैयार करके जाएंगे। और आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इसी क्वेश्चन का, आंसर पूरा आपको उसमें दे दिया है। ये सारे लॉन्ग में आते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, लॉन्ग में इसी तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। थर्ड आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन जॉन डन एज ए लव पोएट। जॉन डन एक लव पोएट के रूप में कैसे हैं, उन पर एक नोट लिखने के लिए कहेगा। तो देखिए, जॉन डन की आपने एक पोएम पढ़ रखी है, प्रेजेंस एब्सेंस इज प्रेजेंस, बहुत अच्छी है, पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, और उसका जो भी उससे जुड़ा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उस पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। चौथा आपका प्रश्न है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सेंट्रल आइडिया आपसे ज़रूर पूछेगा पेपर में, तो आप पोएम पढ़ें, इसमें आपका ये पूरा सिलेबस ही पोएम पर बेस्ड है। तो आपने पढ़ा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, जो विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस सोनेट है, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो मैंने अपलोड कर दिया है, सेंट्रल आइडिया। अच्छा, देखिए, ट्रू लव पूछ दे अगर पेपर में कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ट्रू लव, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रू लव इसी पोएम का एक दूसरा टाइटल है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, आपका यही रहेगा पोएम। और आपके पेपर में अगर आप सेंट्रल आइडिया की जगह पर क्रिटिकल अप्रिसिएशन दे दे तो भी मत कंफ्यूज होइएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछ दे तो भी आपको सेंट्रल आइडिया ही लिख देना है जो आप पढ़कर गए हैं, और क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ के गए होंगे तो सेंट्रल आइडिया पूछ दे तो आप फिर कंफ्यूज मत होइएगा, वही आंसर लिखिएगा, चाहे क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछे या फिर सेंट्रल आइडिया पूछे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सनेट्स। शेक्सपियर सनेट की जो थीम होती है वो कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विलियम शेक्सपियर के सनेट का स्ट्रक्चर, विलियम शेक्सपियर के सनेट का थीम,
ये सारा आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पेपर के पेपर में एग्जाम में ज़रूर आता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द चर्चयार्ड एज सीन बाय द पोएट। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ द चर्चयार्ड, चर्चयार्ड यानी कब्रिस्तान के सीन का वर्णन करो एज सीन बाय द पोएट, जो पोएट ने देखा है। तो आपने पढ़ा है ना, एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की एलेजी है, तो उसी से ये क्वेश्चन आपका बना है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी ये ऊपर के जो क्वेश्चन बताएं बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी को देख लीजिएगा। और देखना ही नहीं है, बहुत अच्छे से याद करके जाना है, और सिंपल है, आप एक बार वीडियो देखेंगे पूरी तो आपको मिल जाएगा, अच्छे से सब आंसर समझ में आ जाएगा किस तरह से लिखना है। क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमारा दिमाग जो होता है, दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगता है ना, कि हमने ये पढ़ा था तो हमें इस तरह से आंसर लिखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, डिस्कस ग्रे एज ए रोमांटिक पोएट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस ग्रे एज ए रोमांटिक पोएट कैसे हैं, डिस्कस कीजिए। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन पर एक वीडियो पूरा अपलोड किया है, थंबनेल पर ही क्वेश्चन डाल दिया है मैंने, तो आप थंबनेल पर ही देखिएगा, क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, उसको पूरा लॉन्ग आंसर हेडिंग बाई हेडिंग मैंने आपको दे दिया है। और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछता है, डिस्कस ग्रे एज ए ट्रांजिशनल पोएट, तो भी आपका आंसर वही होगा, तो आंसर इसका मिलेगा आपको चैनल की प्लेलिस्ट में। 8 नंबर क्वेश्चन है, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम टाइटल द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। आपके सिलेबस में एक पोएम है डब्ल्यू बी एस्ट की, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपके सभी पोएम्स का इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ट्रू लव का, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री का, जॉन डन की पोएम का, ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट एन एसे ऑन डब्ल्यू बी एस्ट एज ए पोएट। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लॉन्ग के लिए। देखिए लॉन्ग की जब मैं बात करती हूँ तो सेक्शन बी एंड सी दोनों की करती हूँ, क्योंकि दोनों में तो लॉन्ग ही आता है। सेक्शन बी में भी 200 वर्ड्स में लिखना होता है और सेक्शन सी में 500 वर्ड्स में लिखना होता है, तो पूरा वीडियो तो अपलोड है चैनल पे, तो आप पूरा लिख लीजिएगा। बस आपका सेक्शन ए ही होता है जिसमें आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, तो उस पर भी पूरा वीडियो अपलोड है, जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उसका पूरा सॉल्व मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड है, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी पूरा मैंने आपको दे दिया है, और कई सारी ऐसी वीडियोज़ चैनल पर अपलोडेड है। उसके अलावा सॉल्व मॉडल पेपर की वीडियो अपलोडेड है, जो पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा सेक्शन ए बी एंड सी, उसकी भी कई सारी वीडियोस चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है। तो बाकी सभी के लिए भी आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 वाला जो आपका क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एक्सप्लेनेशन कौन सा आएगा, किस पोएम का हम पढ़ करके जाएं। तो यहाँ पर देख लो कहाँ से एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा। पहला आपका है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, आपको यहाँ ये देख लेना है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है सभी स्टैंजा देख लीजिएगा। इस पर पूरी एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें सभी के स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन करवा दिया है बहुत अच्छे से। दूसरा ब्रेक 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 का देख लीजिएगा, तीसरा प्रेजेंस इन एब्सेंस का देख लीजिएगा, और इनका भी पूरा मैंने करवा दिया है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये देख लीजिएगा, उसके अलावा एक और आपको बता देती हूँ, ट्रू लव का भी देख लीजिएगा, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का भी देख लीजिएगा, उसका भी एक्सप्लेनेशन करा दिया है मैंने। तो ये चार पोएम्स आपने एकदम अच्छे से तैयार कर लेनी है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा। उसके अलावा ये 10 क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए हैं, इनको एकदम बढ़िया से तैयार कर लो, बस इतने ही प्रश्न जो आपके लॉन्ग में आते हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप अपने बीएस सेकेंड सेमेस्टर के अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, सभी की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, और मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आ रही हैं, शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चन की वीडियोस, प्रश्न उत्तर की वीडियोस, हर सब्जेक्ट की लगातार अपलोड हो रही है चैनल पर। तो उन सभी के लिए भी विजिट करके देखिए, सक्सेस मास्टर पॉइंट पर एक बढ़िया तरीके से आपकी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो विजिट कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।